हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आमिर खान और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं थ्री फेस चेंजवर के बारे में, यानी कि ये जो थ्री फेस का चेंजवर है इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती है और इसके अंदर किस तरह से हम लोग कनेक्शन करेंगे, यानी कि जनरेटर का कनेक्शन किस तरह से किया जाता है, मेन लाइट का कनेक्शन किस तरह से किया जाता है और मेन घर के जो लोड होते हैं वो किस तरह से किए जाते हैं। इसे हमने इसलिए लाया है, आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोज़ को तो देखा ही होगा, बिग इलेक्ट्रिक वायरिंग का, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। वहाँ पर हम एक पैनल बना रहे हैं, पैनल के अंदर इसके अंदर 25 केवीए का जनरेटर अटैच होगा और काफ़ी सारे ग्राइंडर वगैरह इस पर चलेंगे, तो हम वहाँ पर इंस्टॉलेशन करेंगे तब आप लोगों को बता देंगे। लेकिन आज हम आपको वायरिंग समझाते हैं, फिर उस पैनल के अंदर जो सेट करेंगे उसकी वीडियो हम इसके बाद अलग वीडियो बना देंगे, जिसके अंदर आप लोगों को प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, सबसे पहले इसके अनबॉक्सिंग करेंगे, इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बेसिकली हम लोग चेंजवर लेने जाते हैं तो सबसे पहले हमें ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। इसको ओपन करते हैं तो इसके अंदर एक कुछ रॉड मिलती है। इसके अंदर आप लोगों को याद रहे चेंजवर ओरिजिनल कंपनी का ही लेके आना है, नहीं तो ये एक या दो महीने के अंदर ख़त्म हो जाएगा, यानी कि ख़राब हो जाएगा। इसके अंदर हमें क्या देखने को मिल जाएगा ये हम आपको दिखाते हैं। इसके अंदर हमें एक हैंडल मिल जाता है और इसका एक हैंग, इसके दरवाजे को हैंग करने वाला ये चीज़ मिल जाती है, जिससे कि हम बड़ी ही आराम से हाथों से भी इसे ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें एक गियर मिल जाता है जिसे हम इस जगह पर फिट करेंगे, जिससे कि यहाँ ऊपर नीचे करने से हमारी लाइट चेंज हो जाएगी, यानी कि जनरेटर मोड पर और लाइन मोड पर भी कनेक्शन हो जाएगा। इसके कनेक्शन के बारे में हम बताते हैं। आप सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर न्यूट्रल RYB, या आप इसे भी न्यूट्रल बना सकते हैं RYB, यानी कि थ्री फेस पर काम करने वाला ये चेंजवर है। इसे आप सिंगल फेस पर भी काम करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इसे सिंगल फेस पर भी चला सकते हैं। सिंगल फेस पर किस तरह से चलाना है, यहाँ पर न्यूट्रल फेस लगा करके फ्री, और यहाँ पर भी अलग न्यूट्रल फेस लगा करके फ्री, मतलब सिंगल फेस में भी काम आ सकता है और थ्री फेस में भी काम आ सकता है। ये 63 एम्पियर का 415 वोल्ट का ये चेंजवर है और ये ब्रांड कंपनी का ही लेके आना है। अगर आप लोकल लेके आओगे तो बिल्कुल भी आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, एक दो महीने के अंदर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं कुछ कार्टून के टप्पे, जो हम इन्हें बाहर निकाल देंगे, ये कुछ भी काम के नहीं है, इन्हें बिल्कुल बाहर निकाल दीजिए। इसके कनेक्शन हम आपको लोगों को समझाएंगे किस तरह से हम इसे कनेक्शन करते हैं। वायरिंग करने से पहले हमें ये चीनी माटी के जो ये सेफ़ गार्ड लगे हुए हैं, सेफ्टी गार्ड इसे कहा जाता है, ये चीज़ें लगी हुई हैं, इनको आप बड़े ही आसानी से ओपन कर सकते हो। इन्हें पूरा ओपन कर लेना ही, यानी कि इस तरह से आप ओपन करोगे तो यहाँ पर वायरिंग लगाने का पूरा सिस्टम दिखाई देगा, यानी कि सारे यहाँ पर 8 जैक लगे हुए हैं, इन सारे को निकाल दीजिए। ये दरअसल होते हैं वायरिंग को इधर उधर होने से बचाते हैं, यानी कि ये जगह बिल्कुल एक वायर के लिए होती है, यानी कि जो हम वायर डालते हैं ये इधर उधर ना हो, यानी कि शॉर्ट ना हो, इसलिए ये चीज़ गार्ड के हिसाब से ही काम करती है। यहाँ पर लगाने के बाद वायरिंग बिल्कुल अपनी जगह पर सेफ रहती है। अगर इसकी प्राइस की बात कर ली जाए तो तकरीबन 2700 रुपये से लेकर के 3000 रुपये के आसपास हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है प्लास्टिक के कैप, जिसे कि हम यहाँ से वायरिंग अटैच इंटर करते हैं। यहाँ पर आप कट लगा लीजिए, जितना आपका वायर जाएगा उस हिसाब से कट लगा लीजिए, फिर इसे आप इंक्लूड यहाँ पर कर दीजिए, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया है। तो इससे क्या है कि हमारा वायर कट नहीं होगा और इस बॉडी के अटैच नहीं होगा। चलिए सबसे पहले हम मेन लाइन का कनेक्शन कर लेते हैं। मेन लाइन का कनेक्शन किस तरह से किया जाता है, मेन लाइन का कनेक्शन हमेशा ऊपर की तरफ ही किया जाए, हालांकि हम नीचे कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन जब जनरेटर स्टार्ट किया जाता है तो गियर को हमेशा नीचे किया जाता है, ना कि ऊपर। तो आप लोग का ये चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आप लोग ऊपर मेन लाइन, जो आपकी ग्रिड से लाइन आ रही है, मीटर से लाइन आ रही है, वो ऊपर कनेक्शन करना है। आप या तो इधर न्यूट्रल बना लीजिए या इधर न्यूट्रल बना लीजिए, मैं भी उसी तरह से किसी भी साइड पर न्यूट्रल बना दे रहा हूँ। तो आपको किस तरह से कनेक्शन करना है, मैंने वहाँ पर एक न्यूट्रल बना दिया है और यहाँ पर आर न्यूट्रल के बाद पहले लेना है आर कनेक्शन को, फिर वाई कनेक्शन को, ये क्या है साइन होता है, इसका साइन चलता है RYB कनेक्शन के हिसाब से, और फिर लेना है अंत में बी वायर को। तो ये हो गया RYB, यानी कि थ्री फेज कनेक्शन हो चुका है यहाँ पर, बिल्कुल आसान है। ये जो आप कनेक्शन देख रहे हो ब्लैक RYB,
इनके कनेक्शन बिल्कुल ये जो फ्री है इस पर कर देना है, ना कि ये जो पार है यहाँ से लेकर के ये जो शॉर्ट है यहाँ पर कनेक्शन नहीं करना है मेन लाइट के भी और जनरेटर के। यहाँ से लेकर के ये जो पेच आपको देख रहे हैं, ये पेच जो आप देख रहे हो, ये जो मिले हुए हैं, इनमें आप ग्रिड का और जनरेटर का बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं करना है। आप ये जो फ्री वाला कनेक्शन देख रहे हो, ये जो फ्री आपको कनेक्शन देख रहे हो, इनके अंदर आप जनरेटर और मेन लाइट का कनेक्शन करना है। यहाँ पर मेन लाइट का मैंने कनेक्शन कर दिया है BYR और ये हो गया न्यूट्रल। ऊपर हमने कर दिया है मेन लाइट के कनेक्शन और आप लोगों को करना है जनरेटर के कनेक्शन। जनरेटर के कनेक्शन के बिल्कुल इसी तरह करना है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह ही करना है। ऊपर जहाँ पर R आ रहा है ऊपर R का कनेक्शन करना है, Y आ रहा है तो Y की जगह पर कनेक्शन करना है और B आ रहा है तो B की जगह कनेक्शन करना है। जैसे कि आप देख रहे हो बिल्कुल खाली हिस्सा है, इसके ऊपर मैं जनरेटर का कनेक्शन कर रहा हूँ। मैंने कर लिया है बिल्कुल फाइनल कनेक्शन। यहाँ पर जनरेटर के R, Y, B कनेक्शन और न्यूट्रल कनेक्शन आ चुका है और यहाँ पर मेन ग्रिड लाइन के जो कनेक्शन है वो भी R, Y, B न्यूट्रल आ चुका है। न्यूट्रल अपनी जगह पर न्यूट्रल ही होने चाहिए, R अपनी जगह पर R, Y जगह अपने पर, सारी चीज़ें बिल्कुल करेक्टली होनी चाहिए। अब आप कहोगे सर यहाँ पर हम मेन लाइट के जो कनेक्शन है, जो हमारी घर की अप्लाइंसेस चलाते हैं, उनके कनेक्शन हम कहाँ पर करें? तो मेन लाइट के जो कनेक्शन हैं वो यहाँ पर होंगे, यानी कि जो आप यहाँ पर पार देख रहे हो ये पार कनेक्शन है। यहाँ पर आप किसी साइड में भी कर सकते हो। यहाँ पर आप R, R, Y, B और ये न्यूट्रल आप नीचे की साइड में भी लगा सकते हो, ऊपर की साइड में भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है जहाँ पर लगा सकते हो। मतलब इन वायरों को छोड़ करके, यानी कि जो जनरेटर के और मेन लाइट के जो कनेक्शन आ रहे हैं, सॉरी यहाँ पर है मेन लाइट, यहाँ पर जनरेटर है, ऊपर मेन लाइट कनेक्शन है, तो यहाँ पर जो कनेक्शन आ रहे हैं इन पर बिल्कुल भी आप घर के लोड के कनेक्शन ना दें। यहाँ पर जो पेच खाली दिखाई दे रहे हैं, ऊपर वाले हो चाहे नीचे वाले हों, मैं आपको बताता हूँ घर के अप्लायंसेस के कनेक्शन हमें कुछ इस तरह से करना है। जैसे कि आपके सामने यहाँ पर न्यूट्रल आ चुका है, न्यूट्रल बिल्कुल अच्छी तरह से करना है। फिर फेज़ के हिसाब से, अगर आपके घर में थ्री फेज़ वायरिंग है तो वहाँ पर फेज़ के हिसाब से बांट करके चलना है। इस तरह से आप ऊपर की साइड में कर सकते हैं थ्री फेज़ कनेक्शन, आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से करना है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसे बिल्कुल टाइट, अच्छी तरह से टाइट वगैरह करना है, तभी जा कर के ये चीज़ें सक्सेस होगी। अगर आपकी वायरिंग ऊपर नहीं है, अगर आप ऊपर नहीं करना चाहते तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप नीचे में भी वायरिंग कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो नीचे में भी आप वायरिंग कर सकते हैं। इस जगह पर बिल्कुल अच्छी तरह से RYB कनेक्शन हो जाएगा बिल्कुल आसानी से। तो आप इस जगह पर नीचे से भी कर सकते हैं, ऊपर से भी कर सकते हैं, आप नीचे भी कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं, या दोनों में एक साथ भी कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, ये बिल्कुल भी इनके अंदर कनेक्शन नहीं करना है जो जनरेटर के और मेन मीटर के वायर आ रहे हैं। अब आपको समझाते हैं किस तरह से ये काम करता है। पूरी फाइनल होने के बाद इन सभी को अच्छे से यहाँ पर टाइट कर सकते हैं, जिससे कि हमारी वायरिंग इधर उधर ना हो, बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर नहीं लगाऊंगा। इस गियर को भी आप आसानी से लगा सकते हो, बिल्कुल यहाँ से ओपन कीजिए, इस गियर को ऊपर कीजिए, सॉरी इसको बाहर निकालने के बाद इसको ऊपर कीजिए, इस कवर को वापस से लगा दीजिए और इसके आराम से इसे कस दीजिए। अभी ये ऑफ पोजीशन पर है, ये जनरेटर की पोजीशन पर आ चुका है, ये मेन लाइट की पोजीशन पर आ चुका है और ये ऑफ पोजीशन पर है। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, इसके जो भी चीज़ ख़राब होती है ये सब मार्केट में अवेलेबल है। मतलब आपका जो पैनल ये ख़राब हो गया है, इसके चीज़ें ख़राब हो चुकी है, जल चुकी है, तो ये दोबारा भी मिल सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पर ये ब्लेड देख रहे हो, ये ब्लेड राउंड हो रही है, इसे मैं नीचे करता हूँ तो ये कनेक्शन जो जनरेटर का है न्यूट्रल, इसमें आ गया, हमारी मेन लाइट चल गई, ये कनेक्शन यहाँ पर आ गया, हमारी मेन लाइट चल गई, ये कनेक्शन यहाँ पर आ गया। इस तरह से फेज़ कनेक्शन, ये जनरेटर कनेक्शन ऑन हो जाता है और यहाँ पर मेन लाइट जो कनेक्शन है ये बिल्कुल ऑफ रहती है जब तक लाइट ना आए। और हम फिर से इसे उस साइड में कर देते हैं तो ये जो ब्लेड हैं
ये उसमें मिल जाती है, ये इसमें मिल जाती है, इस तरह से ये वर्क करता है। यानी कि अब जनरेटर की जो लाइट है वो बिल्कुल फ्री हो चुकी है। अगर इस पैनल की प्रैक्टिकल देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वहाँ पर हम आप लोगों को एक पैनल बना रहे हैं, उस पैनल के अंदर आप सारी चीज़ समझ जाएंगे किस तरह से ये चीज़ें वर्क कर रही है और कितना लोड हम चला रहे हैं। और इस पर हम 25 किलोवाट का जनरेट 25 केवीए का जनरेटर भी अटैच करेंगे। चलिए दोस्तों, बाय बाय, अगली वीडियो में मिलेंगे इसका इंस्टॉलेशन, इसकी वायरिंग के बारे में।